महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अपनी सरकार पर मंडराते राजनीतिक संकट से लड़ने के प्रति दृढ़ संकल्प व्यक्त किया और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि विद्रोही नेता का बेटा लोकसभा सांसद है तो क्या उनके बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिलहाल दोनों पक्ष ने चार दिन पुराने गतिरोध को तोड़ने के लिए पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। ठाकरे ने कहा कि शिंदे को शहरी विकास का प्रमुख विभाग दिया गया था जो आम तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास रहता है। उन्होंने शिवसेना में विद्रोह के लिए सार्वजनिक रूप से विपक्षी दल भाजपा को दोषी ठहराया जिसने उनकी महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार की स्थिरता को खतरा पैदा कर दिया है। इस गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस भी शामिल है। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि वो विधायकों द्वारा दल बदल से चिंतित नहीं क्योंकि वो उन्हें एक पेड़ के रोग पीड़ित फल फूल मानते हैं। उद्धव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आप पेड़ के फल फूल लेते हैं लेकिन जब तक जड़ें मजबूत हैं तब तक मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जड़ें कभी नहीं उखड़ सकती, हर मौसम में नए पत्ते आते और फूल खिलते हैं। रोग से पीड़ित पत्तियों को तोड़कर फेंकने की जरूरत है। वर्तमान स्थिति पर इसी संदर्भ में विचार करें। उन्होंने कहा कि वो भले ही मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से बाहर चले गए हों लेकिन संकट से लड़ने का उनका दृढ़ संकल्प बरकरार है। ठाकरे ने कहा कि शिंदे ने उन्हें कुछ समय पहले कहा था कि शिवसेना के विधायकों को लगता है कि पार्टी को पूर्व सहयोगी बीजेपी के साथ वापस जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आप किस तरह के शिवसैनिक हैं, क्या आप बीजेपी की उपयोग करो और फेंक दो की नीति और मातोश्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने से आहत महसूस नहीं करते। उद्धव ने सवालिया लहजे में कहा कि आपका बेटा सांसद हो सकता है लेकिन क्या आदित्य को राजनीतिक रूप से विकसित नहीं होना चाहिए। श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सांसद हैं जबकि मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास पर्यावरण और पर्यटन विभाग है। असम में बागी विधायकों के साथ डेरा डाले हुए शिंदे पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा, बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद उन्हें दो बार मंत्री बनाया गया था। आपको ठाकरे का नाम अपनी राजनीति से बाहर रखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या आप अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। कोई भी ठाकरे को शिवसेना से अलग नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर शिवसैनिकों को लगता है कि वो संगठन चलाने में असमर्थ है तो वो शिवसेना अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश करते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं पार्टी चलाने में अक्षम हूँ तो मैं शिवसेना अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री का पद मेरे लिए अप्रासंगिक है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।